हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं अपने फ्रेंड के घर आया था। फ्रेंड के घर में जो व्यू है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आप गांव में ही हो, अपने गांव की याद आ जाती है बिल्कुल देख के। जैसे आप देखते हैं इंडिया में नॉर्मल पुराने घर होते हैं, ऐसे जैसे राजस्थान चले जाएंगे, हमारे कोई राजस्थान के कोई पुराने गांव, जैसे हमारा हिमाचल में भी कोई पुराना गांव होता था तो गांव में जैसे कि अंदर बने होते थे, वैसा ही मतलब पूरा गांव जैसी वाइब है। उरगंज में जैसे वाइब मैच होगी अगर आप पूरे गांव से हैं, मतलब पूरे ओल्ड स्कूल और गांव की तरफ से हैं। कई बार शहरों में भी मकान लिए होते हैं, शहरों में भी रहते हैं, लेकिन कई लोग गांव से भी होते हैं। तो गांव का व्यू बिल्कुल वैसा ही, यहां पे वैसी ही वाइब्स मैच हो रही हैं, गांव जैसा ही फील हो रहा है। काफ़ी लोग हैं यहाँ के जो बहुत हेल्पिंग हैं, बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके। कई बार लैंग्वेज समझ नहीं आती है एक दूसरे की, लेकिन स्टिल लैंग्वेज के बगैर भी हम काफ़ी कुछ समझते हैं एक दूसरे का। कि जैसे मैं आपको बताऊं तो उसमें मेन चीज़ मैं बताऊं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो मेरे पार्टनर्स हैं अनमोल और कृष्णा दिख रहे होंगे, लेकिन ये अभी सोकर उठे हैं इस टाइम। देखिए मैं इनको बताऊं कि इनको बोलता हूं मैं जल्दी उठा करें, जैसे हम होते थे तो हम हमें। सो एक चीज़ मैं और बोलना भूल गया था, मैं दिन के 2 से 3 व्लॉग्स अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन व्लॉग्स का किस तरह क्या क्या वेस्ट टाइम है वो चीज़ें मुझे बताएं आप कि किस तरह किस टाइम व्लॉग होना चाहिए। वो व्लॉग भी हम उसी तरीके से फिर अपलोड करेंगे। हमें कोई आइडिया नहीं है कि व्लॉग्स अभी डालें, मॉर्निंग में डालें, इवनिंग में डालें। इवनिंग में सही रहेगा, मॉर्निंग में बेस्ट रहेगा, लेकिन जिस तरह से सपोर्ट रहेगी उस हिसाब से ही हम व्लॉग्स को अपलोड करेंगे। मैंने एक इंस्टाग्राम भी बनाया है इंडियन इन उज़्बेकिस्तान करके, उसमें भी मैं अपना लिंक शेयर करता हूँ हमेशा, और लिंक्स वहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। वो चीज़ें जो भी मैं वीडियो अप करता हूँ यूट्यूब पे प्रीमियर करता हूँ, उससे पहले मैं एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल देता हूँ। स्टोरी में आपको हर एक चीज़ देखने को मिलेगी, लाइक कि अभी व्लॉग आया नहीं आया, जो भी चीज़ें हैं जैसे है। बाकी व्लॉग में बने रहें आप। एंड बाकी अगर कोई स्टूडेंट है जो कि उरगंज उज़्बेकिस्तान में लाइक तशकंद मेडिकल एकेडमी उरगंज ब्रांच में एडमिशन लेना चाहता है वो भी कमेंट कर सकता है, हम उसको भी पूरा गाइड करेंगे कि कैसे कैसे आपने फर्दर चीज़ें करनी है, कैसे कैसे आपका प्रोसेस वीज़ा का प्रोसेस होगा, सारी चीज़ें प्रोसेस होंगी, और सारी चीज़ों के लिए हम आपको गाइड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बुक्स लानी है पढ़ाई के लिए, वो चीज़ें मैं आपको शेयर कर सकता हूँ बुक्स के लिए। फिर यहाँ पर रहना कैसे है, फ्लैट्स बेस्ट हैं, हॉस्टल्स बेस्ट हैं, खाना कहाँ सस्ता मिलता है, खाना कहाँ महंगा मिलता है, मतलब ट्रैवलिंग से रिगार्डिंग भी आप हर एक चीज़ की राउंड द क्लॉक जो भी हमें लगता है कि जो चीज़ें एज अ बेसिक स्टूडेंट को आने से पहले पता होनी चाहिए वो चीज़ें हम शेयर करेंगे आपसे। बाकी जैसे भी है आप व्लॉग में बने रहें। बाकी अगर कोई उज़्बेकिस्तान आ रहा है तो उज़्बेकिस्तान के लिए जो बेस्ट चीज़ें मैं आपको बताऊं तो उज़्बेकिस्तान आने के लिए कुछ तो जैसे कि एक तो फॉरेक्स कार्ड आप ज़रूर बना लें, जिसकी वजह से आपका फिर सारा लाइक सारा आपकी चीज़ें हैं लाइक जैसे यहाँ पे आके डॉलर एक्सचेंज, तो डॉलर कार्ड जरूर लाएं आप। बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं फॉरेन आने से पहले वो कैसे कैसे लानी है वो मैं सब बताऊंगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए। जो जो चीज़ें मुझे पता है मैं सब बताऊंगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट, जैसे आपको ठीक लगे वो बताएं आप। बाकी मेरे कुछ खास फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं यूक्रेन में फ्लैट शेयर करता था, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं वो, उनके नाम मैं बिना परमिशन के ले नहीं सकता, लेकिन फर्दर मैं आपको बाद में बताऊँगा। वो आज या कल मैं आ रहे हैं उज़्बेकिस्तान, मैं बहुत खुश हूँ, और फर्दर मिलेंगे उनसे फिर बताएंगे आपको कैसा लगा। उनसे भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा धीरे धीरे, जो मेरे फ्रेंड्स हैं अनमोल और कृष्णा को तो आप सब जानते हैं मेरे व्लॉग्स के थ्रू कि वो कैसे मेरे साथ रहते हैं, हर मोमेंट पे वो मेरे साथ घूमे होते हैं बाजार में, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वो मेरे साथ साथ चले होते हैं असिस्टेंट बन के। वो मेरे बहुत क्लोज ब्रदर्स ही हैं मेरे एक तरह से, वो मतलब हम यूक्रेन में साथ ही पढ़े थे, यूक्रेन में हम फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड साथ ही थे। यूक्रेन में किस किस तरह से हमने पढ़ाई की, कैसे कैसे क्लासेस रही ऑनलाइन का ऑफलाइन का, वो सारी चीज़ें आप चाहते हैं वो भी मैं एक ब्लॉग में अपलोड कर सकता हूँ। मतलब 3-4 टॉपिक्स हैं जिसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आपको व्लॉग्स दूँ। एक तो फ्लैट्स का हो गया जिसे धीरे धीरे मैं आपको बताऊँगा सारा। बाकी होप फॉर द बेस्ट, जैसा भी है मैं आपको अपडेट करता हूँ मैं, ठीक है। बाकी फर्दर व्लॉग में बने रहें, व्लॉग अच्छा लग रहा है तो बताएं कि व्लॉग में क्या आपको अच्छा लगा क्या बुरा लगा, अगर बुरा लगा तो भी बताइए मुझे, मैं उस चीज़ को सीरियसली लूँगा और उस चीज़ पर मैं मेहनत करूँगा, क्योंकि हम जो चीज़ में पीछे बढ़ते हैं उसको हम हल्का सा कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को हम ज़्यादा तसल्ली से कर लें जब तक हमारा जी नहीं भर जाता। क्योंकि लास्ट का जो 1.5 ईयर्स से मेरे पास्ट के जिस टाइम में इंडिया में था क्लासेस में, उस टाइम की भी बहुत स्टोरीज़ हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ धीरे धीरे, जो कि आने वाले व्लॉग्स में मैं अपडेट करूँगा आपको, ठीक है। बाकी होप फॉर द बेस्ट।
बाकी आप लोग मेरे को बता सकते हैं कि आपको किस तरह के व्लॉग्स चाहिए, लाइक फ्लैट्स के व्लॉग चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट का अलग से प्रोसीजर होता है। हम पहले यूक्रेन से पढ़े हैं तो यूक्रेन में जो फ्लैट्स होते थे फ्लैट्स का अलग तरह का प्रोसीजर होता था, और यहाँ पे उज्बेकिस्तान में जो फ्लैट्स हैं उनका कुछ अलग तरह का करिकुलम होता है। फ्लैट्स डायरेक्टली मिलते हैं, किस तरह का क्या होता है वो सारा प्रोसीजर मैं आपको सेपरेट व्लॉग में बताऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि वो क्लिप्स आपको चाहिए या वो व्लॉग मैं एक सेपरेट व्लॉग पूरा अपलोड करूं, तो मैं वो पूरा व्लॉग अपलोड कर दूंगा जिसमें मैंने बताया है कि फ्लैट्स किस तरह से मिलते हैं, फ्लैट्स को ढूंढने का क्या तरीका होता है, एजेंट्स के क्या चार्जेस होते हैं, कैसे आप अपने आप भी फ्लैट ले सकते हैं, फ्लैट्स कितने बीएचके रहते हैं, यहाँ पे टू में है, टू में क्या रेट बेस्ट रहेगा आपको, थ्री बीएचके में क्या रेट रहेगा, और फ्लैट्स में सेंट्रल हीटेड है नहीं है, फ्लैट्स का मार्केट लोकेशंस कैसी हैं, किस लोकेशन पे आपको ज़्यादा बेटर रहेगा फ्लैट, किस एड्रेस पे आपको ज़्यादा फ्लैट रहेगा बेस्ट, और फ्लैट के एजेंट्स कौन बेस्ट हैं, कहाँ से आपको लेना चाहिए, किस में आपको कम वैल्यू देने पड़ेगी, कम वन टाइम इन्वेस्टमेंट देने पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है फ्लैट्स के लिए, फ्लैट्स ओनर्स कैसे हेल्प करते हैं, जो चीज़ें आप चाहते हैं वो रिस्पॉन्ड फ्लैट ओनर्स करते हैं नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें। मैंने ये जो मेरे बैकयार्ड में आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा जो लोकेशन है बिल्कुल रॉ थी, बिल्कुल बेसिक सी लग रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे व्लॉग किया। आई डोंट नो कि आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, नहीं आएगा पसंद तो कोई बात नहीं, बाकी ऐसे ही है। फर्दर मैं आपको पूरा दिखाऊँगा यहाँ का, यहाँ पे हम बहुत, अभी तो हम नए नए आए हैं तो ज़्यादा हम निकल नहीं रहे थे बाहर, लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे बाहर निकलें और सारा मैं आपको बताऊं। बिल्कुल जैसे आप देखेंगे बिल्कुल रॉ क्लिप्स हैं मेरी, ना कोई ज़्यादा वो शुरुआत में ज़्यादा इतना आइडिया नहीं रहता है कि एडिटिंग कैसे करनी है, तो हम बिल्कुल रॉ क्लिप्स बना रहे हैं ताकि रॉ रहें, बिल्कुल जो चीज़ रियल है वो दिखाएं आपको, कुछ चीज़ें क्लिक बैट ना करें कि कुछ ऐसा हो गया वैसा कर दिया हमने, ऐसा कर दिया ये देखो वो देखो, हमारा वैसा नहीं है, हम जो होगा वो रॉ दिखाएंगे आपको।